time. दो फैसिलिटी से आपको लगता है कि आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं है उसमें, क्योंकि एक दिन बिजनेस किया उन्होंने, बिजनेस करने के बाद 24 घंटा बंद रखा, 24 घंटा बंद रखे के फिर एक ट्रेन लगाना है उसके लिए फैल जाना है। लेकिन जो आदमी एक दिन में ट्रिप मारना ही मारना है, सुबह में 7 बजे गाड़ी निकल ट्रिप मार के शाम को वापस आता है, फिर से माल लोडिंग होता है, फिर प्लग करते हैं, फिर चार्जिंग करते हैं, फिर दूसरे दिन जाना है, उसके लिए कोई धंधे नहीं। उनको पहले बार जब उनको चार्ज करना है 24 आवर, और 24 आवर लगता है तो वो जब 24 आवर अपना बंद कर दिया फिर 24 आवर का उनको चालू करने का बोले तो वो माइंड सेट उनका सेट नहीं। छोटा बिजनेस है जिसका बिजनेस का मतलब कोई ग्रीन नहीं है, उनके अभी इतना बिजनेस नहीं हुआ, उसके लिए यूट्यूब फैल जाता है, वो यूज करने का तरीका होता है। आपने आरपीएम की बहुत अच्छी बात बताई, आपको क्या लगता है कि भारतीय ओईएम्स अंडर पावर्ड इंजन दे रहे हैं आज के टाइम में, स्कोप है कि आप जैसे अब्रॉड में 400-500 एचपी की ट्रक्स देखते हैं, उन ट्रक्स की यहाँ पर जरूरत है अगर आप प्योर इंजन ड्रिवन रिफर कंटेनर की बात करें, या आपको लगता है कि ये जो अल्टरनेट्स हैं उससे गुजारा हो सकता है? नहीं, वो वैसे आरपीओ का नॉर्म से एकदम मतलब स्ट्रेंथ में ले, उसका इतना ओवरवेट हो जाता है, उनका जितना पेलोड है ना 200-300 kg बनता है, 200-300 kg मटेरियल अंदर स्टोरेज तो है नहीं, मटेरियल ज्यादा स्टोरेज है तो फिर आ गया ओवरलोड। तो ओवरलोड में आरटीओ नहीं बोलता है, अभी चलता है इसीलिए वो चला सकते हैं, बाकी मोटी गाड़ी में तो सेपरेट इंजन, बड़ी गाड़ी में इसका इंजन सेपरेट, खाली डीजल टैंक में से डीजल निकलता है, उसका इंजन का कैपेसिटी है तो उसमें जरूरत नहीं है। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस होता है, फ्रोजन प्रोडक्ट है तो वेट ज्यादा, बटर है तो वेट ज्यादा, और बाकी आइसक्रीम है तो उसका डेंसिटी कम है, उसको कोई भी गाड़ी है आप ज्यादा लीगली जा पा रहा है, ये सिचुएशन कैसे थी? एक्सेल लोड का भी जहां तक हमें पता है डिमांड पे कुछ असर पड़ा है, पहले आप इलीगली लेके जाते थे, अब आप लीगली लेके जा रहे हैं? नहीं, वो लीगली तो वैसे तो नहीं है ने, कोई ध्यान नहीं, मान लीजिए 37 टन है उसको 42 टन हो गया, तो आप उस सिनेरियो में आपके डिमांड पे आपने स्टडी की है या क्या आपका ऑब्जर्वेशन? मैं बताऊं कि रेफ्रिजरेशन का स्कोप इंडिया में इतना है कि सही तरीके से जो हर चीज को रेफ्रिजरेशन में ले जाना है उसको ले जाए, तो हमारे जैसे और 10 मैन्युफैक्चरर है जो वहाँ पे है तो यहाँ पे भी जरूरत है, टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से आपको लगता है कि इंडस्ट्री अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होती जा रही है? क्योंकि अगर आप कॉन्फ्रेंसेस की बात करें और अगर लोगों से पूछे, ज्यादा लोगों का कहना है कि अभी भी इंडस्ट्री 90% अनऑर्गेनाइज है, ये किस हद तक सही है और कहां पर कमी? इतना तो नहीं होगा जी, आपके मुताबिक मेरे ख्याल से 25-30% से ज्यादा नहीं, इतना परिवर्तन आया है इतना, और परिवर्तन कस्टमर लेके आया, कस्टमर अवेयर नहीं होगा। आप रिटेल शॉप पे जाते हैं, आपको पानी का बोतल देते हैं, तो एक लेवल तक कस्टमर आया है कि आज पानी का बोतल के साथ में पानी की ब्रांड भी बोल रहा है,
ब्रांड बोलेगा तो अपने आप वो चलने वाला, तो ब्रांड क्यों बोला, क्वालिटी के वजह से। तो जब ये सिनेरियो आएगा ना, तब इसमें भी आज 25% है, उसको 20% पे आना है, तो वो चेंज होना ही होना है। और जब तक क्वालिटी वाला काम नहीं करेंगे तब हम चलने वाले नहीं, और हम नहीं चलेंगे मतलब देश नहीं चलेंगे। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आजकल बहुत डेटा लॉगिंग की बातें हो रही है, तरह तरह के सेंसर्स लग रहे हैं और लोग मॉनिटर करना चाहते हैं कि गाड़ी सोर्स से निकली, वेयरहाउस पे पहुंची, वेयरहाउस से निकली, फिर कहां पे, पूरी जर्नी में मेरा जो पदार्थ जा रहा है उसका टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, ये सब चीजों की डिमांड आप तक पहुंची है और आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, वो तो रेगुलर है जी, रेगुलर जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है और छोटे छोटे वो सब चला रहे हैं, मॉनिटरिंग हर तरीके का होता है, गाड़ी कहाँ पे कितने टाइम रुकी, कितना मतलब डोर ओपन किया, कितना डीजल यूज किया, क्या क्या कौन सा अनएथिकल प्रैक्टिस ड्राइवर करता है, सब वो सब खबर है। और वो मतलब इतना कॉस्ट भी नहीं, यूनिट का इतना ज्यादा कॉस्ट भी नहीं है, तो सबको पूछा ऐसी। आने वाले समय में खास करके जब BS6 का रोलआउट नजदीक आ गया है और मार्केट थोड़ा ठंडा है, आप ग्रोथ एरियाज कौन से हैं और चैलेंज एरियाज कौन से? वैसे चैलेंज तो ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी चैलेंज में हम बोले तो मैंने पहले भी बताया कि मेटल का कंटेनर और TRP का कंटेनर में अंतर है, बहुत बड़ा चैलेंज जी जी। और वो चैलेंज होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि वर्कमैनशिप अच्छा नहीं था और जिन्होंने पहले अनुभव कर लिया और थोड़ा अनुभव खराब हुआ, मन बदलना मुश्किल है। हाँ, उसको थोड़ा समझा के किसी को 5 लेना है तो 2 हमारा ले, फिर भले जाए 3 मेटल का ले और साथ में पैरेलल चलाए, चलाने के बाद में उसको लगता है कि नहीं मेरा डीजल का बहुत फायदा है, फिर वो उसको धीरे धीरे मूव करेंगे तो मूव होगा, फॉरेन में 90% नहीं पर 99% कंटेनर TRP का चलता है, वो पुराना नहीं है टेक्नोलॉजी, यहाँ पे नया लगता है। भारत में इसकी क्या तुलना के नंबर क्या है, भारत का भारत में कितने प्रतिशत TRP पे होंगे लगभग? मुझे लगता है कि होना चाहिए 40% होना चाहिए, स्कोप तो बहुत है, 60,000 व्हीकल की रिक्वायरमेंट है इंडिया में ऐसा बोल रहा है। और आज की तारीख में कोई अच्छा एनालिसिस को मिलता है तो अभी जो चल रहा है उसमें से 50% को निकालना पड़ेगा, ऐसी हालत में व्हीकल चल रहा है, चला रहा है, खर्चा नहीं करना है, इसीलिए वो चला रहा है।